बाल्को प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों के लिए एचआईवी एड्स पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की, जिसमें लगभग 100 कर्मचारियों ने भागीदारी की। केयर इंडिया ट्रस्ट, छत्तीसगढ़ और स्वयंसेवी संगठन स्रोत ने कार्यशाला के आयोजन में सहयोग दिया। केयर इंडिया के श्री अमिताभ तिवारी और स्रोत के श्री प्रकाश दास ने प्रतिभागियों को एचआईवी संक्रमण के विभिन्न तरीकों और उनसे बचाव के उपायों से अवगत कराया। बाल्को कर्मचारियों ने एचआईवी एड्स से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे, जिनका समाधान श्री तिवारी और श्री दास ने किया। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिनका पता ही नहीं चल पाता है कि कब इंसान की एड्स से मृत्यु हो जाती है। तो बात बिल्कुल सही है कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन एचआईवी जानलेवा नहीं है। और जब तक एचआईवी का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, एड्स का भी कुछ हद तक मैनेजमेंट अभी किया जा सकता है। दवाइयां आ गई हैं, जरूरत बस है जागरूकता की, और सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस बीमारी से बचे रहने की, अपने आप को जागरूक रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। एचआईवी जो ब्लेड है, ब्लेड का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, खुला होता है, खून फैलने का संभावना ज्यादा है। जितना ज्यादा खून फैलेगा उतनी ज्यादा संभावना जो है सूखने की ज्यादा होगी। आप निडिल की बात करते हैं, निडिल में क्या होता है देखिए, आप मेरा खून निकाला उसमें निडिल से, निडिल में एक पूरा एयर टाइट खून का एक लेयर जम गई इसके अंदर में, वो पुला होता है ना, निडिल जो होता है अंदर से पुला होता है, वायु जाने का स्थान नहीं है, लेकिन उसको जीवित रहने का माध्यम मिला हुआ है। माध्यम क्या मिला हुआ है? खून। दूसरा, निडिल को क्या करते हैं, जो शूटिंग गैलरीज में बैठते हैं, शूटिंग गैलरीज बोलते हैं ड्रग एडिक्ट वालों का, कि एक इंजेक्शन से उसने लिया नशा लिया, उसी इंजेक्शन को खाया, मेरा तुरंत नशा ले लिया। उसको 5 मिनट का समय नहीं लगता, मुश्किल से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। दूसरी बात, आप ये बोल रहे हैं कि गर्म पानी से धोएगा, लेकिन साइंस ये कहता है कि कम से कम 20 मिनट तक आपको सुई को उबालना चाहिए। 20 मिनट तक इसका कहा जाता है, क्योंकि 20 मिनट उबलते हुए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये माना जाता है कि जो जितने बैक्टीरिया वायरस है विश्व में वो खत्म हो जाते हैं।